ये कहानी है दो बहनों की। तो शुरू करते हैं ये कहानी। स्टेफनी और हैना दोनों बहनें थीं। स्टेफनी बड़ी बहन थी और हैना उसकी छोटी बहन थी। हैना बचपन से ही हर काम में, चाहे वो खेलकूद हो, नाच गाना हो या फिर पढ़ाई हो, हर चीज़ में अव्वल ही थी। उसी के विपरीत स्टेफनी सिर्फ सजने संवरने के अलावा कोई काम नहीं करती थी और हैना से हमेशा जलती थी। स्टेफनी और हैना एक ही कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन क्लास में बहुत ही हैंडसम सा लड़का पढ़ने आता है जिसका नाम था ऋषभ। क्लास में हमेशा अव्वल आने के कारण वह हैना से दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि हैना सभी कामों में अच्छी थी और पढ़ाई में सबसे अव्वल आती थी। उस कारण से ऋषभ हमेशा हैना से दोस्ती करना चाहता था। पर स्टेफनी हमेशा से चाहती थी कि ऋषभ हैना से नहीं बल्कि उससे दोस्ती करे और दोस्ती बढ़ाए। देखते ही देखते पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई करते समय हैना और ऋषभ की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों को एक साथ पढ़ता देख स्टेफनी को बहुत जलन होती है और स्टेफनी हैना और ऋषभ को अलग करने की योजना बनाती है। एग्ज़ाम पास आ रहे थे तभी स्टेफनी हैना से कहती है, अरे हैना, ये नया ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अगर सपोज़ ये तुम ड्रेस पहनकर इम्तिहान में जाओगी तो मुझे बेहद खुशी होगी। हैना ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि स्टेफनी के मन में कुछ और ही योजना चल रही होती है। हैना खुशी खुशी वो ड्रेस स्टेफनी से ले लेती है। स्टेफनी चिट बनाती है। स्टेफनी सारी चिटिंग हैना के कपड़ों में छुपा देती है, पर हैना को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता कि उसके कपड़ों में चिट रखी गई है। पर स्टेफनी को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि ऋषभ ने उसे चिट डालते हुए देख लिया था। इस पर ऋषभ बहुत गुस्सा होता है। सुबह होते ही हैना स्टेफनी की दी हुई ड्रेस पहन लेती है और कॉलेज के लिए अपने इम्तिहान के लिए निकल जाती है। उसी समय टीचर क्लास में आती है और कहती है, जिसने भी अभी चिट्स रखे होंगे या किसी ने भी चीटिंग रखी होंगी तो इसी वक्त उसे निकाल कर रख दो, क्योंकि अगर मैंने पकड़ लिया तो उसे कॉलेज में से हमेशा के लिए रस्टिकेट कर दिया जाएगा। हैना को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता और वो अपनी इम्तिहान में लिखने में व्यस्त हो जाती है। उसी समय स्टेफनी वहाँ आ जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, हैना, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम चीटिंग कर रही हो? ये सुनकर हैना एकदम से चौंक जाती है और उसी वक्त टीचर वहाँ आ जाती है और उसके कपड़ों में से चिट बरामद करती है। ये देखते ही हैना को टीचर क्लास से बाहर जाने को कहती है। हैना रोते रोते क्लास से बाहर चली जाती है। उसी समय ऋषभ वहाँ जाता है और टीचर से कहता है, मैडम, ये चिट हैना की नहीं बल्कि स्टेफनी की है। मैंने खुद अपने आँखों से देखा था कि स्टेफनी ने खुद चिट हैना के कपड़ों में छुपाई थी। ये सुनकर स्टेफनी दंग रह जाती और हैरान हो जाती है। वो कहती है, इसका क्या सबूत है कि चीटिंग मैंने रखी है? मैडम, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप हैंडराइटिंग को चेक कर देखिए कि ये स्टेफनी की हैंडराइटिंग है या हैना की। उस बात पर टीचर हैना की हैंडराइटिंग को चेक करती है। तब उसे हैना की हैंडराइटिंग और चिट में बहुत फ़र्क दिखता है। टीचर फिर स्टेफनी की कॉपी देखती है और उसकी हैंडराइटिंग को मैच करती है। उसकी हैंडराइटिंग चिट के हैंडराइटिंग से बिल्कुल मैच खा जाती है। स्टेफनी शर्मिंदा हो जाती है। टीचर स्टेफनी को डांट कर उसे कॉलेज से रस्टिकेट करने का फैसला करती है। ये सुनकर हैना को बहुत दुख होता है, पर स्टेफनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शर्मिंदा हो जाती है। हैना टीचर के पास फिर से आती है और कहती है कि मैम, स्टेफनी को एक बार माफ़ कर दीजिए और उसे एक आखिरी चांस दे दीजिए। हैना की बात सुनकर स्टेफनी को टीचर एक चांस देने का मौका देती है। ये सुनकर स्टेफनी को ये एहसास हो जाता है कि उसकी बहन उससे कितना प्यार करती है और उसने कितना गलत किया है। और स्टेफनी हैना से माफ़ी मांग लेती है और उसके गले लग जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें जाकर जा गिरता है। और दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि ईर्ष्या करने वाले कभी बराबरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी दो बहनें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।